शुक्र है रजा तुम आ गए हो। विनीश तुम्हारा कितनी बार पूछ चुकी है और तुम उसका फोन भी नहीं अटेंड कर रहे थे। मम्मा मैं मीटिंग में था, आप कैसी हैं? मैं तो ठीक हूँ। देखो बेटा विनीश को इग्नोर मत किया करो, उसे तुम्हारे साथ कहीं जाना था। मुझे नहीं पता था, सर मैं विनीश से मिल लेता हूँ जाके। क्या बात है, तुम कुछ परेशान लग रहे हो। मामा आपको मेरी शादी करने की बहुत ख्वाहिश है। जाहिर है बेटा, हर माँ को ख्वाहिश होती है, मुझे भी है। और वैसे भी हमारे सर्कल में तो सबको बताया कि मैं तुम्हारी सौतेली मदर हूँ। लोग तो ये समझते होंगे ना कि मैं जान के तुम्हारी शादी नहीं करना चाहते। मामा मैं ये नहीं मानता, मैंने हमेशा से आप ही को माँ माना। इसीलिए तो मैंने विनीश को अमेरिका से बुलाया है, एक मुखलिस औरत तुम्हारे साथ जिंदगी गुजारे। और सच पूछो ना तो विनीश इसीलिए यहाँ बैठी हुई है ताकि तुम हाँ करो। मामा आपको मेरे साथ कहीं जाना होगा। कहाँ? नवाब अहमद अली खान की हवेली, आलिया के घर। मगर क्यों? मेरी और आलिया की शादी की बात करने। क्या हो गया तुम्हें रजा? ये मोहब्बत वगैरह, एक मुलाजमा के साथ दिल लगाया या दिल लगी की, यहाँ तक तो ठीक है, ये शादी वादी? मुझे अच्छी तरह जानती है, ये मोहब्बत और दिल लगी वगैरह के अफसानों से मैं बहुत दूर हूँ। आलिया बहुत अच्छी लड़की है और उसका मेरे साथ जुड़ जाना मेरा फ्यूचर बना देगा। वो तुम्हारा क्या फ्यूचर बनाएगी जो खुद तुम्हारी सैलरी पे अपनी जिंदगी गुजार रही है? तुम्हारे पास तो सब कुछ है ना बेटा। मामा जिंदगी पैसों से नहीं बनती, जिंदगी अच्छे लोगों के साथ जीने से बनती है, और आलिया बहुत अच्छी लड़की है। यानी कि तुम मुझे अपना फैसला सुना रहे हो, तो फिर मैं विनीश को क्या जवाब दूं? मामा देख लीजिएगा, मैं विनीश को बार बार इनकार सुनने की हैसियत से नहीं गुजारना चाहता। साया हो मेरे साया साया हो।